हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, अब आप सुन सकते हैं मेरे ज्योतिष से जुड़े एक्सक्लूसिव ऑडियोस खबरी ऐप के ऊपर। अगर आप मुझे खबरी ऐप पर फॉलो करना चाहते हैं और यहाँ खबरी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसके ऊपर आप सिंपल क्लिक कर मुझे खबरी ऐप पर फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली आगे से थोड़ी चौड़ाई लिए हुए है, कुछ इस तरह की, और जो बेस है हथेली का थोड़ा सा वीक होता हुआ। एक जो इनकी नेचर रहेगी काफी हार्ड वर्किंग रहेगी, लेकिन साथ ही साथ चंद्र एरिया का जो अंदर की तरफ झुकना थोड़ा सा मानसिक तौर पर नेटिव को वीक भी बनाता है। चलिए सबसे पहले इनकी फिंगर्स को चेक करते हैं, उसके बाद माउंट्स की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम इनकी फिंगर्स को चेक करते हैं तो फिंगर्स की लंबाई काफी अच्छी है। यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर काफी अच्छी लंबाई में है और शनि फिंगर के बिल्कुल इक्वल होती हुई नजर आ रही है। ऐसे नेटिव जिनकी गुरु फिंगर यानी के इंडेक्स फिंगर काफी अच्छी लंबाई में हो, यह वाली फिंगर, तो ऐसे नेटिव काफी नॉलेजेबल होते हैं और काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज इनके भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ जो नेचर है वो इगोइस्टिक हो सकती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स में भी ऐसे नेटिव को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ज्ञान के लिए यह फिंगर का, इस फिंगर का लंबा होना काफी अच्छा माना जाता है। और अगर इनकी शनि फिंगर की हम बात करते हैं तो इवन इनकी शनि फिंगर की लंबाई भी काफी अच्छी है। यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो, तो ऐसे नेटिव काफी हार्ड वर्किंग तो होते ही हैं, साथ ही साथ अपनी डिसिप्लिन क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की भी पा लेते हैं। अब बात करते हैं इनके सूर्य फिंगर की। यह जो उंगली है सूर्य उंगली कहलाती है और काफी अच्छी लेंथ में है। बेशक यहां पर बृहस्पति फिंगर से थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इस फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर अच्छी लेंथ में मानी जाएगी और इसकी वजह से इनके भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव क्वालिटीज रहने वाली हैं। और साथ ही साथ इस फिंगर की वजह से व्यक्ति को समाज में काफी अच्छी रिकॉग्निशन भी मिल जाती है। आगे आप देख सकते हैं मरकरी। मरकरी यहाँ पर थोड़ी सी वीक होती हुई, जो माउंट है इनका वो भी थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, लेकिन ओवरऑल मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, कैलकुलेशंस अच्छी रहेंगी, लेकिन थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावना भी यह फिंगर दर्शा रही है। आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप क्लोजअप में अगर देखिए तो आपको नजर आएगा कुछ आड़ी रेखाएं इस तरह की, जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं, लगभग सभी फिंगर्स के ऊपर नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव थोड़े से अग्रेसिव नेचर के होते हैं और साथ ही साथ अपने खास रिलेटिव्स के साथ, अपने खास फ्रेंड्स के साथ भी अपनी इसी नेचर की वजह से कई बार मनमुटाव कर बैठते हैं। और आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स में कुछ गैप्स भी नजर आ रहे हैं। फिंगर्स में गैप्स का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और इनकी जो यही नेचर है, इसकी वजह से इन्हें थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ थोड़ा जिद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है जिनकी सभी फिंगर्स में इस तरह के गैप्स हों जिसमें रोशनी आर पार जाती हुई दिखाई दे, और इस तरह के गैप्स होने की वजह से ऐसे नेटिव काफी खर्चीले स्वभाव के भी हो सकते हैं, जिस वजह से धन संचय के मामले में भी इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उनके माउंट्स को चेक करते हैं, उसके बाद इनकी रेखाओं को भी यहाँ पर हम चेक करेंगे। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बन रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट यहां से लो सेट हो रहा है, जबकि इनका बृहस्पति माउंट, शनि माउंट और सूर्य माउंट तीनों को काफी अच्छी स्पेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। सबसे मेन चीज यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है।
और उसी के साथ साथ अगर अच्छे चिन्ह भी इस माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति काफी धार्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो यहाँ पर बुद्धाजाई का कंप्लीट चिन्ह, इसको हम आंख का चिन्ह भी कहते हैं, यव का साइन भी कहा जाता है, अंगूठे के ऊपर जिन लोगों के बनता है, ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे नेटिव को काफी अच्छे से होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पर गुरु वलय बन रहा है इस एरिया पर, आप देख सकते हैं इस तरह का अर्ध चंद्रमा का चिन्ह, जिसे गुरु वलय का चिन्ह भी कहा जाता है, जिनकी भी हथेली पर ऐसा चिन्ह होता है, ऐसे नेटिव सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी रखते हैं, दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं और इनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। ऐसे नेटिव एक सर्टन एज, मिडल एज के बाद कई बार संन्यास की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं, जिनका बृहस्पति माउंट काफी ज्यादा उभरा हुआ हो, या किसी न किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर लोगों की मदद करने वाले काम करने की प्रवृत्ति भी इनकी रह सकती है। ओवरऑल इनका बृहस्पति माउंट काफी उभरा हुआ है, यह माउंट उभरा हुआ हो तो नेटिव को समाज में काफी मान सम्मान मिलता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, नॉलेज काफी अच्छी होती है और अपनी इसी नॉलेज की वजह से समाज में काफी अच्छा मान सम्मान पा लेते हैं। अब आप देखते हैं इनके शनि माउंट को। शनि माउंट का जो एरिया है बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। अगर हम इस एरिया से हम कंपेयर करें तो शनि माउंट का जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी हार्ड वर्किंग होते हैं और इन्हें हार्ड वर्क लाइफ में करना भी पड़ता है। और कई बार तो इस तरह के नेटिव को कोई भी चीज पहली अटेम्प्ट में नहीं मिल पाती, ऐसे व्यक्ति को काफी ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ती है लाइफ में, जिनका शनि माउंट अंदर की तरफ दब रहा हो। उसी के साथ साथ शनि माउंट के ऊपर अधूरा गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, आप देख सकते हैं यहां से एक रेखा इस एरिया तक और यहां पर भी एक रेखा इस तरह की। अगर यह कंप्लीट हो जाए तो ऐसे एक अर्ध चंद्रमा का चिन्ह बनता है, जिसको गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर यह अनकंप्लीट है, यानी कि अधूरा गर्डल ऑफ वीनस, जो दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति मूडी स्वभाव के होते हैं, अचानक से इनका मूड अच्छा हो जाता है, अचानक से मूड ऑफ हो जाता है, इस तरह की नेचर नेटिव की देखी जा सकती है। और आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को, सूर्य माउंट यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, जिस वजह से नेम एंड फेम मिलने में दिक्कतें रहती हैं, यश मिलने में ऐसे नेटिव को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा यश छोटी एज में तो नहीं मिल पाता, लेकिन अगर सूर्य रेखा मौजूद हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की सूर्य रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, इसकी वजह से ऐसा व्यक्ति 45 की एज के बाद काफी अच्छी रिकॉग्निशन अपनी सोसाइटी में बना लेता है। बात करते हैं इनके मरकरी की। मरकरी माउंट का एरिया यहाँ पर अंदर की तरफ दबता हुआ नीचे की तरफ थोड़ा सा सेट माउंट, जो इंडिकेट करता है शर्मीले स्वभाव को भी, हेजिटेशन वाली नेचर को भी। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बेशक बहुत अच्छी रहे, लेकिन सही समय पर सही शब्द ऐसे नेटिव को नहीं मिल पाते, जिनका मरकरी माउंट लो सेट हो या किसी भी तरह से वीक हो रहा हो। आगे देख सकते हैं इनकी मेजर लाइंस को। अब देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन विष्णु चिन्ह बना रही है, जो एक बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा इस तरह से एक ब्रांच का निकलना, इस तरह का चिन्ह विष्णु सिंबल कहलाता है, जिनकी भी हथेली पर ऐसा चिन्ह बनता है। ऐसे नेटिव अगर अच्छे रास्ते पर चलते रहे, सच्चाई के रास्ते पर चले, तो लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पा सकते हैं, लेकिन अगर इसके विपरीत कोई भी गलत रास्ता अख्तियार करते हैं, अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो ऐसे नेटिव को लाइफ में काफी नुकसान और डाउनफॉल का भी सामना करना पड़ सकता है। हार्ट की लाइन के ऊपर बनने वाला आइलैंड हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का आइलैंड लगभग 60 के आसपास की एज के आसपास दिखाई दे रहा है, जो इंडिकेट करता है कि हार्ट से संबंधित दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। इसी वजह से इन्हें अपने हार्ट की हेल्थ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। अब यहां पर देख सकते हैं इनकी माइंड की लाइन और इनकी लाइफ की लाइन दोनों अलग अलग चल रही हैं, दोनों के बीच में काफी बड़ा गैप नजर आ रहा है। इस तरह का गैप होना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट और रिबेलियन टाइप की नेचर देता है, ऐसे व्यक्ति काफी जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं
और थोड़ी इगोइस्टिक नेचर रहने की संभावना को भी यह गैप दर्शाता है। ऐसे नेटिव किसी की सलाह लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अपनी खुद की मनमर्जी के मालिक होते हैं और कई बार यही स्वभाव इन्हें काफी अच्छी तरक्की दिलवाने में भी हेल्प करता है। ओवरऑल यहाँ पर माइंड की लाइन का झुका हुआ होना बहुत अच्छा चिन्ह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी माइंड की लाइन इस तरह से एक बाइफोर्क बना रही है। इसकी वजह से इनके अंदर काफी अच्छी काबिलियत कुछ राइटिंग करने की, कुछ लिखने की काबिलियत रह सकती है। आर्टिस्टिक क्वालिटीज यहाँ पर इस तरह की रेखा होने की वजह से बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा नेटिव अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटीज का इस्तेमाल करे और अपनी एनर्जी को, अपने इमेजिनेशन को चैनलाइज करे, तभी इसका लाभ लिया जा सकता है। अदरवाइज यह इन्हें स्ट्रेस देने का कारण बन सकती है, यह रेखा तनाव का कारण यहाँ पर इन्हें बन सकती है इनके लिए, जो यहाँ पर बहुत अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। आगे आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ की लाइन यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे तक यह रेखा पहुंचती हुई, जो दर्शाती है कि जो एज है इनकी लंबी रहने वाली है। इसके साथ साथ अंदर की तरफ एक रेखा चलती हुई जो सपोर्ट देती है लाइफ लाइन को। इस तरह की रेखाएं होने से व्यक्ति की जो एज है वो 80 प्लस के आसपास रहती है, और अंदर की तरफ रेखा होने से ऐसा नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी माना जाता है और अपनी लाइफ में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना सकता है। और अगर देखा जाए इनके चंद्र माउंट को, तो चंद्र माउंट यहाँ पर थोड़ा सा दबता हुआ, यह जो एरिया है चंद्र माउंट का एरिया अंदर की तरफ दबता हुआ, इसके ऊपर काफी सारी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को काफी ट्रैवल करना पड़ता है लाइफ में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी रहती है। और इस माउंट का दबना तनाव देने का कारण बनता है। ऐसे नेटिव को तनाव, स्ट्रेस जैसी दिक्कत का सामना लाइफ में काफी हद तक करना पड़ता है। उसी के साथ साथ अगर कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी आड़ी रेखाएं भी इस माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं, ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति को एंग्जाइटी की दिक्कत भी हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी ऐसा नेटिव लाइफ में काफी करता है। बात करते हैं इनके वीनस की, वीनस माउंट यहाँ पर एवरेज नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा उभरा हुआ नहीं है। काफी सारी ऐसी बारीक रेखाएं जो इंडिकेट करती हैं कि फैमिली लाइफ में थोड़ी डिस्टरबेंस रह सकती है ऐसे नेटिव के। इस माउंट के ऊपर जितनी ज्यादा रेखाएं होती हैं उतनी ज्यादा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, कंपैटिबिलिटी में नेटिव को इश्यूज का सामना करना पड़ता है। और ओवरऑल यहाँ पर कोई मेजर इशू नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें अपनी फैमिली की तरफ से, कुछ वरीज रहने की संभावनाएं यह रेखाएं दर्शा रही हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में। मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।